आपके लिए घर खरीदने का सही मौका है, क्योंकि एनारॉक की एक रिपोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसने कहा है कि पिछले 3-4 साल में घरों की जो सेल है, घरों की बिक्री है अलग अलग स्टेट्स में, उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। तो क्या कम जो यहाँ पर डिमांड हो रहा है, इसके चलते आप इस समय घर खरीदेंगे तो आपको क्या अच्छी बार्गेनिंग के तहत, अच्छी प्राइसिंग के तहत घर मिल पाएगा? इस पर हम तमाम एक्सपर्ट से बात करें। हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी जी हैं, उनसे जरा जानते हैं। सर, पिछले करीब 3-4 साल से प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है, इन योर अंडरस्टैंडिंग ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अंदाज से कोई भी रिसेशन परमानेंट नहीं रहता, कोई भी बूम परमानेंट नहीं रहती। तो मेरे अंदाज से जो भी साइक्लिकल इफेक्ट है रिसेशन की, और वो लास्ट ईयर देखिए कि ये तो 4 इश्यूज आगे, अगले लास्ट ईयर में 2017 में हमारा डीमोनेटाइजेशन 2016 का रहा, उसके बाद में GST, रेरा और इंसॉल्वेंसी लॉ और बेनामी एक्ट। तो मेरे अंदाज से ये सब एक साथ में आने के कारण भी काफ़ी सेटबैक रही है मुंबई के लिए, और वो अभी कंटिन्यू नहीं है, लेकिन उनको कैचअप करने के लिए, बढ़ने के लिए थोड़ा समय लगता है। All right, sir. But one more thing, property market में अब क्या buyers के लिए सबसे अच्छा मौका है घर खरीदारी के लिए, या कुछ और इंतजार करना चाहिए? मेरे अंदाज से जब भी रिसेशन आती है तो लोगों को खरीदना चाहिए, क्योंकि वैसे अपॉर्चुनिटी कम भाव का कभी फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन लोग तेजी में ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि और भी ऊपर आएगा, लेकिन सबको पता है कि मंदी के बाद तेजी आती है और डेफिनेटली भाव फिर बढ़ जाएंगे। तो मेरे अंदाज से लोगों को खरीदना चाहिए, ये समय सही है। उनको एक तो कम भाव नेगोशिएट कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि उनको चॉइस मिलता है। लोगों को नहीं तो चॉइस नहीं मिल रहा है कि भाई हमें ये 10-15 फ्लैट है उससे हम चुन सकते हैं, और नहीं तो जब भी तेजी आती है भाई हमारे पास 1-2 फ्लैट ही है उसमें से आप चुन लो। तो मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए लोगों को अब खरीदना चाहिए। चलिए, प्रॉपर्टी खरीदारी का बेहतरीन मौका सर आप मानते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ आखिरी हमारे पास सेगमेंट बच गया इस शो में।